दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिस बिजनेस में ना मंदी हो, ना आपका पैसा खराब हो, ना वो बिजनेस कभी बंद हो और जब तक आप रहें तब तक वो बिजनेस चलता रहे और उससे पैसा आता रहे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसी तरह के बिजनेस आइडियाज में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में जिसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। इसके अलावा आप इसकी शुरुआत करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डिग्री हो। आप जो है अगर 10वीं पास है, 8वीं पास है तो भी कर सकते हैं और अगर आपके पास हाई लेवल क्वालिफिकेशन है तो भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि कम पढ़े लिखे थोड़ा कम ग्रो करेगा और ज़्यादा पढ़े लिखे अपने दिमाग को इस्तेमाल करके थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अल्टीमेटली चाहे कोई भी शुरुआत करे इन बिजनेसेज को उसको फ़ायदा होना ही होना है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस वीडियो में इस तरह के अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, चार बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं अक्सर बात करता हूं दोस्तों स्टार्टअप्स के बारे में, न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में, फ्रेंचाइजीज के बारे में और भी बहुत कुछ के बारे में यहां पर जिक्र होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप ट्रेड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड मार्केटिंग में बिजनेस करना चाहते हैं तो आज मैं लेकर के आया हूं कि आप कैसे फ्री ट्रेडिंग ऐप यानी फ्री ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट से आप जो है शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे को डाल करके पैसे कमा सकते हैं। एक वीडियो हमने बना रखी है जिसके बारे में आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से 50-60% हमने ग्रो किया सिर्फ एक महीने के अंदर ट्रेड मार्केटिंग के जरिए। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां पर जाइए फटाफट रजिस्टर कीजिए। बिल्कुल फ्री है, कुछ दिन के लिए फ्री है, जल्दी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बिजनेस वीडियो को। आज हम जानेंगे कि चार ऐसी बिजनेसेस कौन सी है जो आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो उसमें से सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों, वो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ट्रांसपोर्ट का मतलब तो सिर्फ गाड़ी चलाना होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह बंदों को भेजना होता है। बिल्कुल यही होता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस। लेकिन आज हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट आखिर करती क्या है? फ्लिपकार्ट सिंपल एक वेबसाइट है, उसके पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई बंदा है जो बंदा गाड़ी लेकर के गाड़ी खरीद के रखा हुआ है और ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है, मतलब उसका खुद का कस्टमर बेस है। उन्होंने क्या किया है कि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जिस प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं और वो कंपनी एक जगह से सामान उठाती है और दूसरे जगह ले जाकर के रख देती है। यही काम फ्लिपकार्ट भी करता है। अब इसमें आप सोचो कि ना किसी प्रोडक्ट तो उसके पास है ही नहीं, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज कर रही है और सेलर जो बेच रहा है वहां से उठाती है और उसके पास लेके जाती है जो कस्टमर के पास भिजवा देती है। सिर्फ इतना काम करती है और बीच में बैठ के वो भी पैसे कमाती है और जो ट्रांसपोर्ट में जिसके पास गाड़ी है वो भी पैसे कमाता है। अगर सिमिलरली बात करें स्विगी और जोमैटो की तो इसके पास भी रेस्टोरेंट नहीं है, अपना खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन इसके पास कस्टमर है और इसके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो रेस्टोरेंट से फूड उठाता है और ले जा करके डिलीवर कर देता है, यानी कि यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों ओला और उबर की, तो ओला और उबर भी आपको एक जगह से उठाता है और दूसरे जगह ले जा करके रख देता है। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में आप आज भी पैसे कमाएंगे, कल भी कमाएंगे। मीडियम अलग हो सकता है, आप किसी कूरियर सर्विस से जुड़ के पैसे कमा सकते हैं, आप डिलीवरी पार्टनर के साथ जुड़ के पैसे कमा सकते हैं, आप ओला उबर में लगा के पैसे कमा सकते हैं, अपनी बाइक को रेंटेड करके पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। इवन आप जो है एक सिटी से दूसरे सिटी को किसी को ड्रॉप करके भी पैसे कमा सकते हैं। मुद्दा आपके पास रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपको सिर्फ प्रॉफिट देने वाला है, यहां पे नुकसान बहुत कम होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि किसी मंदी के मार से ना गुजर पाएगा और ना ही यह बिजनेस आने वाले समय में बंद हो सकता है, क्योंकि जब तक ई कॉमर्स चलेगा, जब तक जोमैटो उबर रहेंगे, जब तक ओला कैब रहेगा, आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है और प्रॉफिट जो है वो हमेशा निकल के सामने आने वाला है।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, वो होता है फूड इंडस्ट्री। दोस्तों फूड इंडस्ट्री की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार फूड इंडस्ट्री में बिजनेस करना बहुत डेंजरस है। क्या आप खाना खाना बंद कर देंगे? क्या आप बेहतरीन फास्ट फूड नहीं खाना चाहेंगे? क्या आप जो है घर पे खाना नहीं मंगवाना चाहते हैं? अगर ऐसा है, आप खाना बंद कर दे रहे हैं या खाना बंद कर सकते हैं, तो फूड इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप खाना बंद नहीं कर सकते, अगर आप पार्सल से मंगाना बंद नहीं कर सकते, अगर आप रेस्टोरेंट पर जाना नहीं बंद कर सकते, तो दोस्तों ये बिजनेस आपको सुपर प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं। आप क्लाउड किचन से कर सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, इवन आप जो है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि वॉ मोमोज करता है, जैसे डोमिनोज करता है, जैसे केएफसी करता है। तो इस तरह से आप अलग अलग सेगमेंट में जाकर के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, इवन फ्रेंचाइजीज लेकर के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अगर आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा सेक्टर, और ये है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि जब कोविड का भी समय चल रहा था उस वक्त भी लड़के पढ़ाई कर रहे थे, मीडियम ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन हो गया था। यानी कि पूरी दुनिया बदल सकती है, बट आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने से आप कभी नहीं चूकेंगे। और अगर ऐसा है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने से कभी नहीं चूकेंगे, तो आपके लिए ये बिजनेस भी सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसको करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप चाहें तो स्कूल खोल सकते हैं, आप चाहें तो किसी की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन एजुकेशन खोल सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, इवन अगर आपको गिटार बजाने आता है तो गिटार की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इवन अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप करवाना आता है, मेकअप सिखाना आता है, तो आप ऑनलाइन मेकअप सिखा सकते हैं, उसके बदले में पैसे कमा सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारा है, जो आपको आता है आप उसको ऑनलाइन सेल कीजिए। आज के समय में सिर्फ आप ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखिए, आप देखिएगा कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर कितने लोग जो है वो आपको स्टडी करा रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जो कुछ भी बता रहा हूं, ये भी एक फॉर्म है जहां पर मैं अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल होने वाला है, जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया के बारे में, और ये है मेडिकल इंडस्ट्री का बिजनेस। दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला है। इवन जब प्रॉब्लम आती है तो इसका जो मार्केट है वो अपने आप बढ़ जाता है, और आपने कोविड के समय में जरूर देखा होगा सारे बिजनेसेस ध्वस्त हो गए थे, लेकिन मेडिकल बिजनेस ऑन था और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हो गई थी। तो इसको भी अगर आप शुरू करें तो काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब आप मेडिकल बिजनेस के लिए कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आप लैब की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अपना लैब खोल सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, इवन जो है आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना करके और मेडिकल को और डॉक्टर को और पेशेंट्स को, इन सारे लोगों को कनेक्ट करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चार बिजनेस जिसके बारे में मैंने बात किया था, जिसमें से ट्रांसपोर्ट बिजनेस, फूड इंडस्ट्री बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस और साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्री का बिजनेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो फटाफट इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत।